भोपाल की कर्फ्यू वाली माता मंदिर के सामने से कन्या भोज के नाम पर अगवा की गई दो बच्चियों को पुलिस ने एक दिन में ही सुरक्षित ढूंढ निकाला है। बच्चों का अपहरण करने वाली महिला और उसके पति को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस अब इस पूरे मामले को मानव तस्करी से जोड़कर देख रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला बच्चियों को बेचने की फिराक में थी। अब पुलिस गिरफ्त में आई महिला से पूछताछ कर रही है। पुलिस को आगे बड़े खुलासे की उम्मीद है। महिला का नाम अर्चना बताया जा रहा है, जो हरियाणा की रहने वाली है। पुलिस ने महिला के पति को भी गिरफ्तार किया है। उसका नाम निशांत है और वो केरल का रहने वाला है। वर्तमान में वह भोपाल में ही रह रहा था। इसके साथ ही पुलिस ने अपहरण में मदद करने वाले एक परिवार को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने एक कार और स्कूटी भी बरामद की है। दरअसल जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले ये दो बच्चियां जो हैं कोतवाली थाना क्षेत्र से गायब हुई थी। इनके परिवार के लोगों ने बताया कि कन्या बुलाने के नाम पर दो महिलाएं आई थी और इनको वो अपने साथ ले गई और फिर उन्होंने बच्चों को वापस नहीं किया, जिसमें उस दिन से ही थाने की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस पर लगी हुई थी और फुटेज कलेक्शन में और तमाम तरह की और इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर रहे थे। उसी तत्वाधान में आज कुछ फुटेज के आधार पर हम लोगों ने इन लोगों को ट्रेस करना शुरू किया और उसके बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो हम लोग की टीम ने दो तीन जगहों पर अलग अलग जगहों पर वेट करके कंफर्म करने की कोशिश की कि बच्चों की लोकेशन और जो उनके साथ दो महिलाएं दिखी हैं फुटेज में वो उनकी वेयर अबाउट्स और उनकी लोकेशन के बारे में कुछ पता लगे। इसी संबंध में अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी टीम में कोलार के इंग्लिश विला करके वो है सोसाइटी है, जहां पर एक घर में ये लोकेशन में अपने को इन बच्चों को जो है वहां पर लोकेट किया है। दोनों बच्चियों को सकुशल वहां से लाया जा रहा है। इस संबंध में एक परिवार और है जो पकड़ा गया है, आरोपी परिवार के रूप में उसको चिन्हित किया गया है। वो दो महिलाएं जो फुटेज में दिख रही हैं उनकी शिनाख्ती भी हुई है। दरअसल ये अभी फिलहाल जो इनसे थोड़ी बहुत पूछताछ हो पाई है उसमें ये पता लगा है कि एक इसमें व्यक्ति है निशांत, जो कि मूलतः केरला का रहने वाला है, अभी यहां भोपाल में ही रह रहा है। इसकी वाइफ है अर्चना, जो हरियाणा की रहने वाली है, वो भी इसमें अभी गिरफ्तार हुई है साथ में। इसके अलावा इस महिला का एक भाई है सूरज, जो कि हरियाणा से ही है, वो भी वहां पर उस घर में मिला है जहां पर गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा एक लड़की है अक्षरा, महिला जो अर्चना और निशांत की, वो भी इसमें वहां पर मिली है साथ में इस परिवार में। इसके अलावा अर्चना की एक बहन है मुस्कान, जो कि वहां पर ये भी लड़की मिली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अपहरण करने वाली महिला ने बच्चियों को कोलार के इंग्लिश विला नाम की पॉश कॉलोनी में रखा था। उसने 8 दिन पहले ही यह बंगला किराए पर लिया था। पुलिस ने यहां से 2 अन्य बच्चों को भी बरामद किया है। अपहरण करने वाली महिला ने पहचान छिपाने के लिए बच्चियों का मुंडन कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।